सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं आज आपके लिए ऐसी चीज लेके आया हूँ, सस्ते में और बहुत बढ़िया चीज है, जो कि बेस टू मैगी क्रैकर की है। और इसका जो बेस लेवल है वो एक नंबर का, मतलब ऐसा कहीं नहीं सुना होगा आपने भी ना मैंने सुना है। तो ये एक दोस्त था, उसकी गाड़ी में लगी हुई थी वैगनार में ये क्रैकर की। तो जब उसने कही कि भाई अच्छी बेस ट्यूब है तो लेके आया हूँ। ये क्रैकर है कि 10 इंच की बेस ट्यूब है, और ये है कि देख लो जो भी है ना, 1 साल की गारंटी इसकी। तो अब आपको दिखाते हैं, और विद एम्प है ये डिवाइस का, और ये कुछ ऐसी है कि देखो ये बेस ट्यूब हमारी, और ये गोल मिलके ऊपर से और नीचे से सपाट मिलती है, ताकि पकड़ बनी रहे इसकी, जैसे कि नीचे हीले डूले ना, इसलिए ये नीचे सपाट है और ऊपर से गोल है। और ये इसका बूफर है, देखो बहुत मोटी कोयल है इसकी, और पीछे से हमें विद एम्प है, तो ये इसके अंदर इनबिल्ट एम्प मिलता है हमें। देखो ये रहा एम्प, ये रहा एम्प, और यहाँ से ऑडियो इनपुट जाएगा इसके अंदर। और ये बेस लेवल सेट करने के लिए कि आपको कितनी धमक चाहिए, कितना बेस चाहिए, और ये कुछ इस तरह है। और इसकी कोयल मेरे को दिख रही है अंदर, बहुत मोटी कोयल है, मेरे हाथ से भी मोटी कोयल है इसकी बूफर की वैसे। और ये हमें पड़ी है 2700 रुपये की पड़ी है ये कश्मीरी रेट से। आप कश्मीरी रेट में जाओगे कहीं भी पूछ लेना कि भाई क्रैकर की बेस ट्यूब चाहिए हमें, वो अपने आप दे देंगे। और अगर जो ज़्यादा आप बताए 2700-2800, और एक जगह हमने पूछी थी वो कह रहा था 3800 की देगा ये, तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो वहाँ पे, बार्गेनिंग करना लेकिन ठीक है। और अभी आपको ये चला के भी दिखाएंगे गाड़ी में। जो हमारी गाड़ी में पहले एम्प था और बेस ट्यूब थी वो हमने बेच दी, क्योंकि जो एम्प था ना वो 1 साल के अंदर ही खराब हो गया था। वो था बेस बोसमैन नाम कुछ एम्प का, 4 चैनल था वो, तो उसमें खराब होने के बाद वो मज़ा नहीं रहा। ठीक तो करवा लिया था हमने पर मज़ा नहीं आया, जो बेस ट्यूब में धमक धमक आती है ना वो चीज़ नहीं आती। और बेस ट्यूब भी हमारी पुरानी थी तो हमने बेच दी थी, वो सस्ते में बेच दी थी। अब ये लेके आए हैं, अब इसको आपको गाड़ी में पूरी इंस्टॉल करके दिखाएंगे, कैसे तार लगते हैं, कौन सा तार कैसे आता है, और चला के भी दिखाएंगे आपको इसको। तो आप वीडियो में बने रहे हमारे साथ, और आप वीडियो देखते दो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर दिया भाई। पाड़ेंगे इसको, अब हम फिटिंग कर रहे हैं बेस ट्यूब की। पहले तो ये प्लास्टिक निकलेगी इसका ना, पहले एक बार यहाँ कन्वर्टर से चला के देख लेंगे, अब फिर एक बार इस चला के देख लेंगे। हमारी गाड़ी में एंड्रॉइड स्टोरियो है, तो ये आउटपुट भी देता है अपना बेस ट्यूब का। ये तो इसमें लग रहा है, और इसके अंदर हमारा वो हैगा कन्वर्टर, दोनों हाई लो कन्वर्टर हैगा हमारा, जो कि पीछे वाले स्पीकरों से चलता है। और ये हमारा जो हैगा आउटपुट इससे आ रहा है स्टीरियो से। और एक और तार है, पहले हमारा एम्प यहाँ पे था, तो सारे तार यहीं पे हैं सभी के। ये अब तार निकल रहे हैं देखो, ये तो पीछे भी ना जावे, ये किसका है, ये नेगेटिव हैगा। अच्छा, ये तार है सारे, देखो कितने तार हैं। और एक और है, ये किसका है, ये रिमोट है, रिमोट तो छोटा हो गया। और ये लिखा, ये हमारा जो हाई लो कन्वर्टर होता है ये उसका हैगा। और ये देखो यहाँ पे हमारा कन्वर्टर हैगा इस जगह, और हमने ग्राउंड यहाँ से ले रखा है। ये दो तार किस चीज़ के जा रहे हैं, कौन से दो भाई? ये रहा हमारा हाई लो कन्वर्टर। जो भी बेस ट्यूब की वायरिंग होती है वो यहाँ से आके, यहाँ से बिल्कुल साइड साइड में से, जहाँ से ओरिजिनल वायर जाती है पीछे चली जाती है, यहाँ से सीधा डिग्गी में, वो फिर डिग्गी में सारे कनेक्शन होंगे। अभी दिखाते हैं आप भाई, देखो चल गई हमारी बेस ट्यूब, और बहुत बड़ी आवाज दे रही है, देखो अभी धमक पर सच्चे नहीं है। देखो भाई लाइट आ चुकी है इसके अंदर, और आपको बताता हूँ कैसे कैसे तार लगते हैं। ये तो हमारा ग्राउंड हैगा, जो कि हमारा नेगेटिव तार आता है, हमने यहीं पे भी दिखाऊंगा आपको कहाँ पे लगा रखा है। ये हमारा पॉजिटिव है,
जो कि बैटरी से डायरेक्ट आता है। ये बीच वाला पॉजिटिव इसमें लिखा है 12 पॉजिटिव, और ये रैम का मतलब रिमोट हैगा। जैसे कि हम इग्निशन ऑन करेंगे ये हमारा एंड्रॉयड चलेगा, जब इसके अंदर करंट आएगा फिर ये इसको देगा। और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होता है। और ये हमारे ऑडियो के तार हैं जो कि कन्वर्टर से आई हैं। देखो भाई, यहाँ से तो हमने नेगेटिव लिया है, ये तो हमारा नेगेटिव का है, और ये हमारा हाई लो कन्वर्टर हैगा। अब हम इससे चला रहे हैं अपनी बेस ट्यूब, ना कि जो एंड्रॉयड में से डायरेक्ट इसका आउटपुट आ रहा है बेस ट्यूब का, उसमें लगाया था मज़ा ही नहीं आया, अब मज़ा के आवाज़ ही नहीं आ रही उसके अंदर, तो इसीलिए इसी के अंदर लगा के चला रहे हैं अब हम। और आवाज़ आपने सुनी ली होगी, नहीं तो दोबारा चला देंगे एक बार, गाना और दिखा दूँगा मैं आपको NCS का गाना चला के। चलेगी हमारी बेस ट्यूब, I'm not afraid of the dark.